नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपको आज बतलाते हैं कि आज की रेसिपी क्या है। जी बिल्कुल अलग टाइप की है। लिट्टी चोखा बिहार में बोलते हैं और बाटी चोखा हम बोलते हैं यूपी में, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल एक जैसा होता है। तो चलिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होती है तो नोट करवाते हैं और उसके बाद कैसे बनती है वो भी झटपट बताती हूँ। आज हम लिट्टी चोखा के लिए सबसे पहले भरता बनाएंगे। भरता के लिए हमें चाहिए 3 बैंगन और 1 आलू मीडियम साइज का और 2 टमाटर। इस सबको काट कर इसमें डालकर ओवन में 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। और तब तक जब तक ये पकेगा हम इन सब्जियों को काट लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 प्याज, 1 लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, नींबू, धनिया पत्ती और ये 1/2 बाउल सत्तू चाहिए। उसके बाद सत्तू में जान देने के लिए अजवाइन, बंगरेला और नमक और सरसों तेल। ये हमारी घाने की शुद्ध सरसों तेल है, ये डालेंगे। आप कोई भी सरसों तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जियों को काट कर इसमें डालेंगे और इसको काट कर हमें 20 मिनट के लिए ओवन में, आप कुकर में कुछ भी पका सकते हैं या डायरेक्ट आग में ही भी इसके पास, इसको अगर आपके पास जाली है तो जाली पर आग में भी इससे सेक सकते हैं। इस तरह से ऐसे भी रखेंगे और कोई चाकू से इस तरह से करके भी डालेंगे, लेकिन इस तरह से काटने का मकसद है कि अंदर में कुछ भी कीड़ा है तो वो हमारा निकल जाएगा और इसलिए हम लोग काटते हैं। नहीं तो सीधा फोक से, चाकू से इस तरह से भी हम लोग काट करके उसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमको इसका देखना है कि अंदर में कुछ तो है नहीं, बिल्कुल साफ मेरा है ये देखना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि बैंगन में कीड़े और वो भी अभी बरसात के समय में हो जाते हैं। तो देखिए जैसे एक दिख गया तो इसको काट कर हम हटा देंगे। जहाँ तक ये जाएगा उतना दूर तक काट करके वो निकाल देंगे। बरसात के समय में ये कॉमन रहता है। और टमाटर को बिल्कुल इसी तरह से डाल देंगे। आलू को भी छील के उसमें डाल देंगे और 20 मिनट के लिए ओवन में पकने के लिए, बेक होने के लिए डाल देंगे। और फिर तब तक बाकी सब्जियों को, प्याज, अदरक, लहसुन सभी को काट लेंगे, हरी मिर्च को, सत्तू में नींबू जाएगा, नींबू को सत्तू में डालेंगे। ये हमारा सब हो गया। अब इसको बेक करने के लिए ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे। ओवन में रख दिए हैं। अब इसको हम बंद करके माइक्रोवेव करके 20 मिनट के लिए वो सेट कर दिए हैं। अब वो 20 मिनट मेरा हो जाएगा, तो 20 मिनट के बाद मेरा निकाल कर इसको छील कर भरता बना लेंगे। तब तक अब मेरा ये पक गया है बढ़िया से भरता। जब तक ये ठंडा होता है सत्तू बना लेते हैं। ये हम सारा चॉप कर दिए हैं और सारा चीज आधा आधा सत्तू में डालेंगे। ये मेरा सत्तू है। अब सत्तू में सबसे पहले डालेंगे नमक, आधा नमक इसमें डालेंगे और आधा नमक भरता के लिए। ये हम पूरा डाल देंगे
अजवाइन मंगरेला पूरा डाल देंगे। अब सरसों का तेल डालेंगे, एक या दो चम्मच डालो। अब इसमें वो जो नींबू था वो नींबू एक निकाल दें। एक नींबू, इसमें रस अधिक है तो एक नींबू थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा, तो हम आधा और थोड़ा सा और डालेंगे, इतना नींबू बचा लेंगे क्योंकि बहुत अधिक है। इसका बीज को छान के डालेंगे, अभी हम डाले नहीं, छान कर छन्नी नहीं लाए हैं तो हम हाथ से ही निकाल लिए, लेकिन आप जब कीजिए तो इसको छन्नी से छान करके कीजिए। अब ये आधा 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 धनिया पत्ती इसमें डालेंगे, आधा भरता में जाएगा, आधा लहसुन, आधा हरी मिर्च, आधा से अधिक अदरक। अदरक उसमें भरता या नहीं डालिए, नहीं तो क्योंकि ये कच्चा थोड़ा सा ये होता है। और आधा प्याज डालें। अब ये इतना सारा ये भरता में जाएगा। अब ये मेरा रेडी हो गया। सत्तू भी फ्रेश था तो इसका खुशबू जो है सानने के समय पता चल जाता है, बहुत सौंधी सौंधी खुशबू सत्तू की आती है अगर फ्रेश सत्तू रहा तो। ये अधिक सूखा हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा पानी हम लोग डालते हैं। जिससे कि वो जब भरेंगे तो उड़ेगा नहीं। इसको जब आटा के लोई में डालेंगे तो वो बढ़िया से। सत्तू मेरा हो गया। ये सत्तू मेरा तैयार हो गया। अब आटा तैयार कर लेंगे। आटा के लिए इतना आधी कटोरी आटा लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और ये प्योर देसी घी वो डालेंगे। इसको बढ़िया से मोयन कर लेंगे, कचौड़ी की आटा की तरह थोड़ा इसको गूंथेंगे, थोड़ा कड़ा ही रहेगा तो मेरा जो लिट्टी है बिल्कुल खास्ता बनेगा। सत्तू हो गया, आटा बना के रख लेते हैं, फिर लोई करके सत्तू भर लेंगे। ये मेरा सत्तू लिट्टी का तैयार हो जाएगा, फिर भरता बनेंगे। पानी डाल के इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करेंगे कि बहुत अधिक सॉफ्ट नहीं हो। आटा गुठा गया है, इस तरह का थोड़ा सा
कड़ा जैसा आटा बनेगा। ये मेरा रेडी हो गया। अब ये मेरा अब ठंडा भी हो गया, इसको सब छील लेते हैं। आलू तो मेरा छीला हुआ ही था, टमाटर बहुत आसानी से, टमाटर का छिलका जो होता है बहुत ही आराम से अच्छा से निकल जाता है। देखिए बहुत ही आसानी से इतना बढ़िया से टमाटर का छिलका निकल जाता है। और ये बैंगन का भी छिलका बहुत ही अच्छा से निकल जाता है। जलाने वाला में होता है कि जो गैस पे डायरेक्ट पकाते हैं उसमें बहुत सारा जल के बाहर निकल जाता है, गूदा बहुत कम, उसका पल्प जो होता है बहुत कम निकल पाता है। और इसमें देखिए बहुत ही थिन लेयर का वो छिलका निकलता है। और जो गैस पे डायरेक्ट पकाते हैं उसमें मोटा सा छिलका के साथ गूदा भी निकल जाता है, तो बहुत थोड़ा वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है उसमें। इसमें आपका वेस्ट नहीं होगा और जो पौष्टिक तत्व हैं सब इसी में अंदर में ही रह जाता है। अब इसमें जो बचा हुआ था प्याज वो डाल दिए, लहसुन डालें, अदरक डालें, हरी मिर्च डालें, ये लहसुन है लहसुन डाल दिए, धनिया पत्ती जो बचा हुआ था वो डाल दिए। अब जो नमक रखे थे वो नमक इसमें डाल दिए और सरसों तेल डाल दिए। अब इसको सबको मिक्स कर देंगे बढ़िया से और ये मेरा भरता तैयार है। अब मेरा आटा रेडी हो गया है, सत्तू रेडी हो गया और भरता रेडी हो गया। अब सिर्फ आटा में भर के और लिट्टी केवल तलना बाकी रह गया। ये मेरा भरता तैयार हो गया। ये मेरा भरता भी तैयार हो गया है। इसको कटोरे में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए भरता तैयार हो गया। अब हम लिट्टी बनाएंगे। इसके लिए लोई अपनी इच्छा से, आपको जितना बड़ा साइज का चाहिए उतना बड़ा का ये बनाएंगे। इतना ही फिलिंग रखेंगे जितना कि वो फटे नहीं, आराम से इसको गोलाई से करते हुए इसको बंद कर देंगे। ये लिट्टी इस तरह का बना बना कर और उसको रखते जाएंगे। अगर आपसे सीधे आटा से नहीं होता है तो आप बर्तन इसमें सूखा आटा लगाकर बना सकते हैं, लेकिन वही थोड़ा सा घी गंदा हो जाता है, इसके कारण मैं इसमें बर्तन नहीं लगा रहे हैं। इससे घी साफ रहता है, उसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बनता है तो आप बर्तन लगा के करें।
मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। अब मेरा वो कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें घी डाल रहे हैं। घी मेरा गरम हो रहा है, इसमें लिट्टी डाल दिए और मेरा लिट्टी पक रहा है। इस तरह से लिट्टी मेरा पक रहा है। लिट्टी को एक तरफ से पलट दिए, ब्राउन हो गया है। अब दूसरी तरफ से भी इसको पलट देंगे। इस तरह से मेरा रेड हो रहा है। पूरी तरह से ब्राउन हो जाएगा फिर इसको निकालेंगे। ये मेरा लिट्टी बिल्कुल ब्राउन हो गया है। अब इसको दोनों तरफ से पलट कर निकाल लेंगे। ये लिट्टी चोखा मेरा बिल्कुल तैयार है। आप भी ऐसा ही बनाइए, खाइए, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।